जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस में लगातार नई नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। गृह विभाग के द्वारा इस वर्ष कई सारे पदों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें ईआरएसएस फेज वन, ईआरएसएस फेज टू और जनसंख्या के अनुपात में पदों की स्वीकृति दी गई थी। कुल 75,543 पदों की स्वीकृति दी गई। ईआरएसएस फेज वन और फेज टू में लगभग 13,000 पदों की स्वीकृति दी गई और पुराने बैकलॉग पदों को जोड़कर 21,391 पुलिस कर्मियों की जो बहाली होनी है। बाकी जो 48,447 पद बचे हुए थे, उसमें से अगले साल की बहाली की प्रक्रिया तैयार करने की दिशा में हम लोगों ने कार्रवाई कर ली। अगले साल उनमें से 24,269 पदों को रिलीज करने के लिए गृह विभाग के माध्यम से हम लोगों ने स्वीकृति मांगी। ये 48,447 जो शेष पद हमारे बचे हुए थे, उन 24,269 जो पद हैं, उसमें सिपाही के लगभग सिपाही और समकक्ष पद हैं 479। सिपाही चालक के 2,800 पद हैं और दरोगा पुलिस अब निरीक्षक और उसके इक्विवेलेंट जो कैटेगरी है उसके 2,000। यानी कि अगले साल भी भारी संख्या में नई नियुक्तियां की जाएंगी। सिपाही और दरोगा का वर्तमान विज्ञापन और अगले साल की भरपूर तैयारी करते हुए 24,269 पदों पर हम लोग नई बहाली के लिए सरकार की अनुमति मांग रहे हैं। इसमें हमने गृह विभाग प्रस्ताव भेजा है, गृह विभाग फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा और अगले साल के पदों के लिए जो है इतने पद रिलीज करने के अनुमति देगा। उसके बाद हम नए साल की बहाली के लिए भी विज्ञापन निर्गत करेंगे। तैयारी हमने अभी ही शुरू कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बिहार पुलिस का और बिहार सरकार का जो निर्देश है उसके अनुरूप स्वीकृत पदों पर जल्द से जल्द बहाली हो, नियुक्ति हो, उसके लिए कार्रवाई कर। तो ये बहुत अच्छी सूचना थी, मैंने सोचा आपको और सभी नौजवानों को आपके माध्यम से सभी लोगों को बता दें। 2,000 दरोगा के पद, 19,469 सिपाही के पद और 2,800 ड्राइवर सिपाही के पदों पर अगली बहाली के लिए, इस चरण की बहाली नहीं, अगले साल की बहाली के लिए अभी से हमने। आप सभी ने बिहार पुलिस एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार जी को सुना और इसके बारे में आप सभी देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी दिया गया था कि पुलिस मुख्यालय ने दी जानकारी, अगले साल आएगा विज्ञापन यानी कि 2024 में तैयारी, बिहार में 24,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती। इसमें देख सकते हैं कि आगे दिया गया था कि 2,800 सिपाही चालक, 2,000 दरोगा के भी पद इनमें शामिल। हालांकि ये न्यूज़ पुराना है, लेकिन बिहार पुलिस एडीजी के द्वारा साफ साफ कहा गया था कि 2024 में बिहार दरोगा के लगभग 2,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाएगी। इसमें आप सभी देख सकते हैं कि आगे कहा गया था कि राज्य में 21,391 सिपाही और 1,288 दरोगा जो कि 1,275 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, उसके बारे में कहा गया है के पदों पर बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके साथ ही अगले साल यानी कि 2024 में 24,269 पदों पर पुलिस कर्मियों की बहाली को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से इसकी स्वीकृति मांगी है। गृह विभाग के बाद वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही रोस्टर तैयार कर 24,269 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुल 24,269 पदों में 19,469 सिपाही एवं समकक्ष, 2,800 सिपाही चालक एवं 2,000 दरोगा एवं समकक्ष के पद होंगे। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने पुलिस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सूबे में बढ़ती जनसंख्या और डायर 112 की आवश्यकता को देखते हुए गृह विभाग ने इस साल बिहार पुलिस
के लिए 75,543 पदों का सृजन किया था। इनमें जनसंख्या आधारित सीधी भर्ती के नियुक्ति 49,447 में से 24,269 पदों पर बहाली के लिए गृह विभाग से सहमति मांगी गई है। आप सभी ने देखा कि खुद बिहार पुलिस एडीजी के द्वारा कहा गया था कि 2024 में बिहार दरोगा के 2000 पोस्ट पर भर्ती निकाली जाएगी। तो ये बात कन्फर्म है कि बिहार दरोगा की भर्ती 2024 में आने वाली है, वो भी 2000 के पोस्ट पर। 2000 पोस्ट पर आप सभी को बिहार दरोगा की भर्ती 2024 में देखने को मिलेंगे। अगर बात करें ये भर्ती कब तक आ सकती है, तो आप सभी को पता है कि 1275 पोस्ट के लिए अभी मेंस एग्जाम होना है। ये मेंस एग्जाम 25 फरवरी को लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट लिए जाएंगे। फिजिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो मार्च में इनका फिजिकल टेस्ट हो सकता है, वहीं फाइनल मेरिट अप्रैल में जारी किया जा सकता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आप सभी को बिहार दरोगा के 2000 पदों पर भर्ती देखने को मिल जाएगी, यानी कि अप्रैल के लास्ट या मई में आप सभी को बिहार दरोगा के 2000 पोस्ट पर भर्ती आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बिहार दरोगा भर्ती के लेटेस्ट जैसे को लेटेस्ट अपडेट आएगी आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।